सिंध में अमन जी फिज़ा बहाल कराइण लाइ पंहिंजी जाननि जो नज़रानो ॾींदड़ पुलिस आफ़िसरनि तोड़े अहलकारनि जी यादि में लाड़कण में योम शहदाए सिंध पुलिस जे अनवान हेठि हिकु शानदार तक़रीब कोठाई वई। अहिड़ी पुरवकार तक़रीब लाड़काणे जे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में थी गुज़री, जंहिं में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सिंध जो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह, एडिशनल IG सखर डॉक्टर जमील अहमद समेत पुलिस जे आला आफ़िसरनि तोड़े शहीद पुलिस आफ़िसरनि ऐं अहलकारनि जे वारसनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते पुलिस जे जवाननि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे सलामी बि पेश कई। तक़रीब दौरान शहीदनि खे पेटा पेश करण लाइ हिकु डॉक्यूमेंट्री फिल्म बि वॾी स्क्रीन ते ॾेखारी वई। उन खां अलावा शानदार टेबलोज़ बि पेश कया विया। योम शहदाए सिंध पुलिस वारी तक़रीब खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कंदे चयो त आज जो हुकूमत है, आज जो हुकूमत वफ़ात में है, उनका कोई मुख्तलिफ़ सोच है और उन्होंने ना सिर्फ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को तन्हा छोड़ा है मगर हर पाकिस्तानी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या तलबा हो या बुजुर्ग पेंशनर्स हो, सब परेशान हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जदोजहद जारी रखेगी और हम आम पाकिस्तानी का मुआशी हकूक का तहफ़ का अपना जदोजहद जारी रखेंगे और उम्मीद है कि इसमें सिंध हुकूमत भी हमारा भरपूर साथ देंगे और सिंध हुकूमत जो है वो ख्याल रखेगा कि जब वफाक इतना जुल्म कर रहा है, हम भी कोशिश करेंगे कि आम आदमियों का हम ख्याल रखें, इन पुलिस ऑफिसर्स का हम ख्याल रखें, इनके ख़ानदानों का हम ख्याल रखें ताकि हम अपना फ़र्क भी दिखा सकें। मैं यहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारा पुलिस का यौम शोदा को मनाया है। हर साल आप बेहतर अंदाज में मनाते हो और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन पाकिस्तानियों को याद करें जिन्होंने अपनी जान का कुर्बानी दे के हमारा मुल्क में यह अमन कायम किया है। एक बार फिर अब सबका बहुत शुक्रिया। तकरीब के सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह खिताब कंदे चयो त सिंध में 2000 से जायद ऐसे जवान हैं जिनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ बात हुई थी जो हालात थे ख़राब, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद इस मुल्क में एक डिक्टेटर आया और उस डिक्टेटर की वजह से ख़ास तौर पे सूबे सिंध में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो बदतरीन दौर था। यहाँ पे डाकुओं का उरूज था, रोडों पे उस ज़माने में कॉन्वॉयस चलते थे और पुलिस जो है वो एक वेट कराती थी कि जी जब तक 20-25 गाड़ियाँ इकट्ठी ना हो जाएं, मैं सेवन शरीफ का रहने वाला हूँ, अगर वहाँ से हैदराबाद या कराची जाना होता था तो हमें उधर खड़ा कर दिया जाता था दो दो तीन तीन घंटे कि जी इतनी गाड़ियाँ जमा होंगी, फिर आपको पुलिस और आर्मी एस्कॉर्ट करती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको ललकारा, उनकी तकारीर सबको याद होंगी उस वक्त की। उन्होंने पुलिस का मोरल हाई किया और यही पुलिस, उससे पहले सिंध के अंदर फौज को बुलाया गया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने फौज को वापस भेजा और अपनी पुलिस के थ्रू उनको फैसिलिटेट करके, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके उन दही इलाकों में डाकुओं का और शहरी इलाकों में दहशत गर्दों का खात्मा किया। शहीदन के ॾियारे के मौके ते सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सिंध पुलिस के समूर सहूलतूँ फ्राहम करण की खातिरी पिण कराई है। कैमरामैन जुल्कर लाड़क सा गड जहीर अबड़ो, ऑनलाइन इंडस TV लाड़कणू। Subscribe Online Indus TV and click the bell icon for the latest update. Keep watching Online Indus TV.